बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को हर नागहानी आफत बीमारी परेशानी से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये हो रहा है जी मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग में इतना प्यारा व्यू था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, सनराइज़ हो रहा था। और इसके बाद ये दूसरा क्लिप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये था थर्सडे वाले दिन। और थर्सडे वाले दिन हमारे यहाँ ग्रैंड ब्रेकफास्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग जो बाहर से मेरे हस्बैंड लेके आते हैं यहाँ पे आराम से, ये वाला जो ब्रेकफास्ट होता है आराम से मिल जाता है हर जगह। तो ये है जी सांभर, कोकोनट की चटनी, ग्रीन चटनी, और उसके साथ है वड़ा, डोसा और पराठे और चने का सालन। तो ये हमारे यहाँ थर्सडे वाले दिन ब्रेकफास्ट होता है। और जी हो गए हैं सुबह के काम स्टार्ट हो गए हैं, मशीन लगनी स्टार्ट हो गई है। तो जी ये तो चलता रहता है मशीन के काम, मशीन तो लगना लाजमी है, डेली लगती है मशीन। और ये मैंने मशीन एक तरफ मैं चला दूँगी और बाकी काम मैं करती रहूँगी। अच्छा जी, तो हमारे साथ हो गया एक प्रॉब्लम, हमारा गैस स्टोव जो है वो ख़राब हो गया। तो उसी के लिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग दिखा रही हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो है गैस बर्नर वाला लिया जाए। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वाला लिया है, ये इसका वो है सुपर जनरल, मेड इन टर्की है, और इसमें चार बर्नर हैं। पहला वाला चूल्हा जो है वो ख़राब इस सेंस में हो गया था कि वो जल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किलों से जल रहा था। तो कोई बड़ी मुसीबत आने से पहले ये था कि ये जो है हम इसको हटा दें और फिर हम लोग एक नया चूल्हा जो है वो बाय कर लें। तो ये अब इसकी मैं अनबॉक्सिंग दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही अच्छा चूल्हा है, स्टील का है, इलेक्ट्रिक है, और गैस से उससे भी कर सकते हैं आप, मतलब मैनुअल भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं इसमें। और ये बहुत अच्छी तरह से पैकिंग थी इसकी। इसकी पैकिंग इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से की हुई थी ताकि जाते हुए कोई चीज़ डैमेज नहीं हो। तो ये हो गई है इसकी अनबॉक्सिंग, और शुरू में तो पता है कि हर चीज़ बड़ी ही प्यारी लगती है। तो बहरहाल इसको मैंने जो है बाद में जब मैंने लगा लिया था, तो अभी इसके चार हैं, चार बर्नर हैं और एक टाइमर भी है इसका, कि अगर आपने जिस टाइमर में आपने बंद करना है तो आप उसको ऑन कर लें और टाइम के बाद आप बंद, वो खुद ब खुद जो है बंद हो जाएगा। और इसके अलावा
मैंने इसके बाद इसमें फॉइल पेपर जो है वो लगा दिया था ताकि ज़रा कम ही गंदा हो। वैसे होता तो है नहीं कि कम गंदा हो, जहाँ बातें चूल्हे पे पकता है तो गिरता भी बहुत है। तो इसके बाद ये इसकी टेस्टिंग चल रही थी कि किस तरह से जलाना है और किस तरह से नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ आती है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, मतलब जो भी घर में चीज़ आती है उसको ट्राई करना तो मस्ट है कि सही तरह से ट्राई हो जाए। तो ये मैं ट्राई ही कर रही थी इसको सही तरह से। तो जी ये लग चुका है और इसके बाद मैंने इसमें फॉइल पेपर लगा दिया था। और अब इसके बाद चलते हैं ज़रा बाहर का। एक क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है जहाँ ये दुबई जा रहे हैं और बहुत ही सनी डे था, तो चलिए मेरे साथ। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।